नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी आलू चोखा की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे दाल चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू को बॉईल करके। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मैशर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अच्छे से हमें मैश कर लेना है। थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से हम मैश करेंगे। इसमें जो छोटे बड़े चंक्स रहते हैं ना, जब मुंह में आते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ग्रेट करके बनाओगे तो उतना टेस्टी नहीं लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। डालेंगे हम 2-3 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तीखा कम ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे। लहसुन मैंने लिया यहाँ पे 3। लहसुन को इस तरीके से पतले स्लाइस में काट के डालेंगे। लहसुन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालना हो तब आप स्किप कर सकते हो। साथ ही एक बड़े साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के डालेंगे। साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। यकीन मानिए, एक बार आप इस तरीके से दाल चावल के साथ खाएंगे तो आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरे कहने पे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अच्छे से मिक्स करके हम सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इस तरीके से थोड़ा सा स्टफिंग उठा के इस तरीके से गोल कर लेंगे। साइज छोटे बड़े या जितना मर्जी आप यहाँ पे ले सकते हो, जितना आपको खाना हो। तो इसी तरीके से सभी गोला हम बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगे रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।